नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं अगले 10 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान। तो बात करते हैं अगले 10 दिन में कैसा रहेगा आपके इलाके में बारिश, काल कहाँ पर होगी बारिश से बेस्ट, कहाँ पर होगी मौसम क्लियर, यानी कहाँ पर रहेगा मौसम क्लियर। तो आप देख पा रहे होंगे कई इलाकों में जो है बारिश की संभावना नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, मानसून भी आगे नहीं बढ़ रहा है। और हमारे इलाकों में अगर देखा जाए तो इस समय गोरखपुर में खासतौर पर जो कल भी हमने उम्मीद जताई थी तो उस तरह की बारिश देखने को मिल रही है, इसमें बारिश हो रही है। हालांकि बहुत तगड़ी बारिश नहीं हो रही है लेकिन फिर भी ठीक ठाक बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है और लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त बारिश हो जाएगी, यानी कि पानी भर जाएगा, इस तरह का माहौल लग रहा है। लेकिन आगे कैसी बारिश होती है इसके बारे में आपको आगे अपडेट करते रहेंगे और आपको बताएंगे कहाँ पर किस तरह का माहौल बनता नज़र आएगा आने वाले समय में। तो बारिश तो बहुत तगड़ी हो रही है और आपके इलाके में कैसी बारिश हो रही है उसके बारे में आपको जरूर समय अपडेट करें। वैसे आप देख पा रहे होंगे कि मानसून ने वो काफ़ी ज़्यादा निराशा कर दिया है, लोगों को निराश किया है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है और आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना अभी के मुताबिक नज़र नहीं आ रही है। उम्मीद कर सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है वो अभी नहीं है और मानसून धीरे धीरे प्रगति करेगा। मानसून की जो रफ्तार है वो बहुत धीमी रहेगी, बहुत स्लो रहेगी, बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेगा और 6 जून के बाद इसके रफ्तार पकड़ने की संभावना है, यानी कि 6 जून के बाद लगता है कि ये थोड़ा सा रफ्तार पकड़ेगा और कुछ आगे बारिश देख करके आगे बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं देगा, यहाँ कुछ ना कुछ बारिश ये जरूर से आगे देख करके जा सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी नज़र आ रही है, इस तरह की प्रोबेबिलिटी है। तो उम्मीद कर रहे हैं इस तरह का माहौल बनता नज़र आएगा और कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना नज़र आएगी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान, इस तरह का माहौल बनता नज़र आएगा। तो हमारे साथ वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक से जरूर कर दीजिएगा जिससे कि आपको जानकारी लगातार मिल सके और आपको पूरी तरीके से इन्फॉर्म हो सके। आगे मिलते हैं, धन्यवाद।